वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज देश का आम बजट पेश कर दिया। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स से लेकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़े ऐलान किए हैं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। देश के आम बजट की 5 बड़ी बातें क्या रही, जान लीजिए। पहली, टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी ये सीमा 5 लाख रुपए तक ही थी। व्यक्तिगत इनकम टैक्स की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक 0, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। दूसरी, क्या सस्ता क्या महंगा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया, यानी कि अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी। देसी किचन चिमनी महंगी होगी। कुछ मोबाइल कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। सिगरेट महंगी होगी। तीसरी, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा। वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 से 9 लाख की जाएगी। चौथी, बजट की 7 प्राथमिकताएं। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में मुख्य 7 लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, वंचितों को वरीयता। तीसरा, बुनियादी ढांचे और निवेश। चौथा, क्षमता विस्तार। पांचवा, हरित विकास। छठा, युवा शक्ति। और सातवा, वित्तीय क्षेत्र। पांचवी, अन्य बड़े ऐलान। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 3.3% होगा।